गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स ओके टुडे वी विल लर्न नंबर आज हम नंबर सीखेंगे एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट नंबर 5 ओके तो आज हम नंबर 5 लिखना सीखेंगे तो नंबर 5 लिखने से पहले हम देखेंगे इसको इसके लिखने के लिए क्या क्या लाइंस क्या क्या यूज़ हो रहा है ओके सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश में हमने सीख चुके इंग्लिश सब्जेक्ट में जे हाउ टू राइट स्लीपिंग लाइन हाउ टू राइट स्लैंडिंग लाइन हाउ टू राइट स्टैंडिंग लाइन हाउ टू राइट हाफ सर्किल जो भी है कर्व हमने सीखा था ना सब हम लोग पैटर्न राइटिंग में आ चुके हैं सेम प्रोसेस उसी लाइंस की हेल्प से आज हम नंबर 5 लिखेंगे नंबर 5 जो होता है वो काउंटिंग होता है ठीक है यहाँ पे देखो कुछ टॉफीज का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे कितनी है हाउ मेनी टॉफीज आर देयर 1 2 3 4 5 मतलब काउंटिंग तो फिंगर्स भी आप शो कर सकते हो जैसे 1 2 3 4 5 यह है 5 तो 5 मींस 5 नंबर मतलब 5 जिसको हम बोलते हैं 5 हाउ मेनी नंबर्स मतलब 5 मतलब 5 तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है एक स्लिपिंग लाइन यूज हुआ है फिर छोटा सा स्टैंडिंग लाइन हुआ उसके बाद इसके साथ ज्वाइन किया हमने राइट कर्व ओके जो हाफ सर्कल बोलते हो तो एक साथ हमने लिखा स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल ओके तो सबसे पहले हम इसको कलर करते हैं जो कैसे कलर करना है आप देखो सबसे पहले जो स्लीपिंग लाइन है स्लीपिंग लाइन को मैंने कलर कर रही हूँ देखो स्लीपिंग लाइन को मैं कलर कर लिया ये जो स्लीपिंग लाइन है ये मैंने कलर किया ओके अब इस अच्छे से कलर करना है जो कलर बाहर नहीं आना चाहिए मैंने कर दिया स्लीपिंग लाइन को कलर अभी हम छोटा सा जो स्टैंडिंग लाइन है स्टैंडिंग लाइन को हम कलर कर रहे हैं ओके ये स्टैंडिंग लाइन हमने कलर किया अब आता है हाफ सर्किल जो राइट कर्व है इसको हमने कलर कर रही हूँ आप भी आपकी जो होमवर्क देंगे व आपको जो वो होमवर्क जो मिलेगा आपको इसमें ऐसा ही जैसे मैम क्लास में कर रहे हैं उसी वैसे ही आपको करना है आपको कलर बाहर नहीं जाना तो आपने आज कौन सा नंबर कलर किया नंबर 5 तो स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल ये हो गया आपका नंबर 5 अभी हाउ मेनी टॉफीज 1 2 3 4 5 इसको भी आप कलर कर सकते हो आपकी चॉइस कुछ भी आप कलर कर सकते हो मेरी चॉइस है ऑरेंज तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर कर रही हूँ ओके ये 1 टॉफी फिर ये 2 नंबर 2 टॉफी है ये उसके बाद नंबर 3 ये 3 टॉफी है ओके फिर आता है नंबर 4 ये नंबर 4 टॉफी ओके नाउ नेक्स्ट नंबर 5 ये हो गया आपका 5 टॉफी ये मैंने 5 टॉफी मैंने कलर किया तो 1 2 3 4 5 आप भी ऐसा ही कलर करोगे आपके घर पे जो भी आपको होमवर्क मिलेगा उसी नोटबुक में मैथ्स की नोटबुक में नंबर 5 आपको लिखना भी है और कलर भी करना है और यहाँ पे जो नंबर्स मतलब काउंटिंग जो दिया है जो संख्या ये है इसको आपको क्या है इसको टॉफी जो है इसको कलर करना है अब हम आते हैं डॉट की हेल्प से कैसे हम नंबर 5 लिखेंगे ओके यहाँ पे देखो ये जो मैथ्स की नोटबुक्स है ये बॉक्स वाली है एक एक बॉक्स में देखो मैम ने कैसे डॉट डाली है एक जैसे जैसे मैम ने डॉट डाली है इस डॉट को आपको ज्वाइन करना है डॉट टू डॉट आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले जो यहाँ पे डॉट है इसी डॉट से मैं स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड तो सबसे पहले मैंने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ किया फिर डाउन छोटा सा स्टैंडिंग लाइन मैं ड्रॉ किया फिर मैंने यहाँ से हाफ सर्किल बना के नीचे वाले डॉट तक लेके आया तो क्या बन गया नंबर 5 स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्किल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्किल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्किल मेक अ नंबर 5 स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और हाफ सर्किल की सहायता से हम आज नंबर 5 लिख रहे हैं ओके क्या नंबर है व्हिच नंबर इज दिस नंबर 5 नंबर 5 मींस मतलब काउंटिंग में कैसे करोगे नंबर 5 मींस 5 और इसको जो आप काउंट करोगे फिंगर नीचे रखते हुए आप कोई भी चीज़ को आपको काउंट करना है जैसे ये टॉफीज है आप जिसके नीचे फिंगर रखोगे उसी टाइम आपको काउंटिंग शुरू करना है जैसे यहाँ पे नीचे मैंने फिंगर रखी तो इसमें आप 1 बोलोगे सेकेंड जिसके नीचे फिंगर रख रही हूँ तो इसको 2 बोलोगे फिर ये आ रहा है नंबर इसके नीचे आ रही हूँ तो मैं 3 बोल रही हूँ फिर इसके जब आ रही हूँ तो मैं 4 बोल रही हूँ
हो, फिर मैं इसको आ रही तो फाइव बोलूँ। तो धीरे धीरे जिसके नीचे नीचे आप फिंगर रखोगे उसी को आपको काउंटिंग सुनाना है। नाउ जैसे फिंगर को भी आप शो करोगे, जिस फिंगर में आप टच करोगे उसी को आपको वन बोलना है, फिर टू थ्री फोर फाइव। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर फाइव। नंबर फाइव मैंने पहले कलर भी किया, उसके बाद हमने डॉट टू डॉट ज्वाइन करके हमने नंबर फाइव लिखा। ये आपका क्लास वर्क है। यहाँ पे मैम ने आपको होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को कैसे करना है, सेम टू सेम जैसे स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, 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 मेकर नंबर फाइव। तो आपको भी जो मैम ने आपको होमवर्क देंगे उस होमवर्क नोट आपके कॉपी में नोटबुक में आपको डॉट टू डॉट ज्वाइन करके आपको नंबर फाइव लिखना है। डॉट टू डॉट नहीं ज्वाइन करोगे आप फिर इधर उधर चला जाएगा, फिर आपकी नंबर फाइव नहीं बनेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। और एक चीज़ देखो, ये नंबर फाइव लो लिख रही हूँ ना, नीचे वाला जो लाइन है उस लाइन को आपको टच करते हुए लिखना है। ओके, देखो नंबर फाइव स्लिपिंग स्टैंडिंग, ये हाफ सर्कल जो बना रही हूँ मैं, ये देखो नीचे वाला लाइन को मैंने टच किया। आप भी नीचे वाला लाइन को टच करते हुए लिखोगे तब आपकी नंबर फाइव अच्छा से बनेगा और देखने भी अच्छा लगेगा, और ये आपको नीट एंड क्लीन करना है। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने नंबर फाइव लिखना सीखा विद द हेल्प ऑफ डॉट्स और विद द हेल्प ऑफ लाइन्स। कौन सी लाइन्स ना, स्लिपिंग स्टैंडिंग हाफ सर्कल। नंबर फाइव मीन्स पाँच, हम काउंटिंग करते वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे टॉफीज हाउ मेनी टॉफीज, वन टू थ्री फोर फाइव। तो आज हमने नंबर फाइव लिखना सीखा। आप भी ऐसे ही जैसे मैं हमने क्लास में समझाया, क्लास में दिखाया, ऐसे ही आप अपने नोटबुक में नंबर फाइव लिखोगे, कलर करोगे और डॉट टू डॉट ज्वाइन करके नीट एंड क्लीन करोगे। ओके, थैंक यू।